नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम कॉमन क्यों। इन बयानों से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। राहुल गांधी अक्सर अपनी गलत बयानी के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी उनके ही दिए बयानों या घोटालों की वजह से निशाने पर रहे हों। मानहानि से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाले तक में उनका नाम आता रहा है और पूछताछ होती रही है। कई मामलों में उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा है। मोदी सर ने मानहानि केस में फिलहाल सूरत कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ कई ऐसे मामले पहले भी आए जिससे उनकी जमकर फजीहत भी हुई। तो चलिए आपको बताते हैं उन मुख्य मामलों के बारे में जिनसे राहुल गांधी की छवि लगातार धूमिल होती आ रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना था। एक और मामला आया जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर अपमानजनक बयानों से नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। सुकन्या देवी मामले में भी राहुल गांधी पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे थे। सुकन्या देवी ने वर्ष 2006 में राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती और रेप किया। कुछ समय तक इस घटना को ज्यादा वरीयता नहीं मिली, ना किसी चैनल में और ना ही किसी अधिकारी के द्वारा। आरोप लगा कि वर्ष 2006 में कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तो इस घटना को दबा दिया गया। एक और ऐसा मामला जिसमें राहुल गांधी की जमकर फजीहत हुई। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस बयान को लेकर उन पर कोर्ट ने अवमानना के तहत कार्रवाई की थी। इस पर राहुल गांधी ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर माफी मांगी थी। इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई की मजगांव कोर्ट में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया था। 2019 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक इस मुकदमे में उन पर आईपीसी की धारा 406 के तहत आरोप लगे थे। मामला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का था। तो वहीं बेंगलुरु में एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत पर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। कंपनी का आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म का गाना इस्तेमाल किया गया है। ये मुकदमा आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत दर्ज किया गया था।